तो देखिए गाइस, बिहार स्टेट पेपर 2 14 जून 2024 की पहले शिफ्ट का पेपर है। तो देखिए, जिनका आने वाला शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, राजा दशरथ के मंत्री का नाम बताओ। तो राजा दशरथ के मंत्री का नाम है सुमंत। अगला, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है वो आगे होता है, तो इसमें देखिए अधि उपसर्ग निकल रहा है। कौन सा उपसर्ग निकल रहा है? अधि उपसर्ग। अगला है, प्रगतिवाद का समय बताओ। प्रगतिवाद का समय जो है वो है 1936 से 1943। अगला है, अयोध्या कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी। नेक्स्ट है, गोवा की राजकीय भाषा बताओ। गोवा की राजकीय भाषा हो जाएगी कोंकणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोंकणी। अगला है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताओ। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। क्या है? अखिलेश। नेक्स्ट है, गया प्रसाद स्नेही कौन से युग से संबंधित हैं? गया प्रसाद स्नेही जो हैं वो संबंधित हैं द्विवेदी युग से। किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से संबंधित हैं। अगला है, बोडो भाषा भारत में किन किन स्थानों पर बोली जाती है? बोडो भाषा जो है वो असम में बोली जाती है, मेघालय में बोली जाती है, और कहाँ बोली जाती है? बांग्लादेश में बोली जाती है, बांग्लादेश। अगला है, नागानंद के लेखक का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे हर्षवर्धन। कौन हो जाएंगे? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा? तो ये देखा था मिर्जा गालिब ने देखा, मिर्जा गालिब। अगला है, पिंजर कहानी के लेखिका का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगी अमृता प्रीतम। कौन हो जाएंगी? अमृता प्रीतम। नेक्स्ट है, क्लीमेंट एटली कौन सी पार्टी के नेता थे? तो ये थे लेबर पार्टी के नेता, लेबर पार्टी। अगला है, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर अली खान ने किया, पीर अली खान। अगला है, संयुक्त सर्वनाम की अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया दीम सिंस के द्वारा दिया गया, दीम सिंस। अगला है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे आचार्य भरत मुनि, भरत मुनि। अगला, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, मुक्ति बोध जीवनी के लेखक का नाम बताओ। तो ये हैं लेखक विष्णु चंद्र शर्मा। अगला है, सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? सिंधी को 8वीं अनुसूची में 1967 में जोड़ा गया। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का कारण बताओ। तो भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना। अगला है, देवनागरी लिपि कौन सी लिपि से निकली हुई है? तो ये लिखी हुई निकली हुई है ब्राह्मी लिपि से, निकली हुई है ब्राह्मी लिपि। अगला, निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगला है, बिहार की साक्षरता दर जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगी 61.80%। अगला है, नाइट हुड की उपाधि किसे दी गई? तो ये दी गई थी
रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। और जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तब इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला है भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1915 में। अगला है बीज बपन काल किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है बोलती प्रतिमा किसकी रचना है, तो ये है श्री राम शर्मा की रचना है, श्री राम शर्मा। अगला है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा है, तो ये बसा है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। नेक्स्ट है खरबूजा किस मौसम की फसल है, तो ये हो जाएगी जायद मौसम की फसल है खरबूजा, जायद मौसम। अगला है नमकयुक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाता है, तो उनको कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं, हेलोफाइट। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, तो ये की थी 1498 में। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में क्या क्या चीज़ें हैं, हीराकुंड बांध, कौन सा है बांध, हीराकुंड बांध, जो कि बना हुआ है महानदी पर, और महानदी को उड़ीसा का सोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होता है, तो सूचना और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय होता है। अगला है प्रस्तावना का संबंध किससे होता है, प्रस्तावना का संबंध होता है पूर्व ज्ञान से होता है, पूर्व ज्ञान से। अगला है विधि की आत्मा किसकी पुस्तक है, विधि की आत्मा जो है मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक हो जाएगी। अगला है उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, उसने कहा था तो उसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो आवारा मसीहा जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अगला है पंचलाइट नाटक का नायक जो है वो कौन है, तो वो हो जाएंगे गोधन। अगला है संज्ञानात्मक क्षेत्र किसका सृजन करता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है वो नवीन ज्ञान का सृजन करता है, नवीन ज्ञान का सृजन करता है। अगला है कोसी नदी का उद्गम स्थल बताओ, तो नेपाल में हिमालय से कोसी नदी का उद्गम होता है, कोसी नदी का उद्गम होता है। अगला है ताजमहल पीला क्यों हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण ताजमहल का रंग जो है पीला होता जा रहा है। नेक्स्ट है कच्छ स्थापित करना किसका उदाहरण है, तो ये है कच्छा प्रबंधन का उदाहरण है, कच्छा प्रबंधन। अगला है नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नेपानगर जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। अगला उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये कहते हैं महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है किसान महासभा का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 1918 में हुआ। अगला है भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश MP। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 का संबंध बताओ, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है अनुच्छेद 352। अगला भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु। अगला है कोहरे के समय हम लोग क्यों नहीं देख पाते, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग नहीं देख पाते। नेक्स्ट है किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है। अगला है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वो हो जाएगा नदियाँ।
सौर सेल किसके द्वारा बनाई जाती हैं? सिलिकॉन के द्वारा बनाई जाती हैं, सिलिकॉन से बनाई जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है? तो वो हो जाएगा चीन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।